सभी का आपके अपने चैनल आरबीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद माफिया अतीक कैवत के बेटे के खिलाफ रंगदारी के दो और मुकदमे दर्ज। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के नैनी जेल में बंद बेटे अली के खिलाफ रंगदारी व धमकी देने के मामले में FIR दर्ज की है। GTB नगर निवासी मोहम्मद वाशिक जाफरी ने भी अली अहमद, असाद, कालिया और इमरान के खिलाफ रंगदारी व धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया है। वाशिक ने भी असाद व अली पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। माफिया अतीक के नैनी सेंट्रल जेल में बंद बेटे अली अहमद के खिलाफ रंगदारी व धमकी का दो और मुकदमा लिखा गया है। करेली पुलिस ने कसारी मसारी निवासी मोहम्मद अफजल की शिकायत पर अली असाद फैजान अल्तमस व एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अफजल का आरोप है कि 7 अगस्त की सुबह उसे पता चला कि एनुद्दीनपुर में वाले खेत पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, 30 लाख दो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। जब वे अपने भतीजे आमिर हमजा के साथ पहुंचा, कब्जा करने वाले हट गए। जब वे अपने घर की तरफ आने लगा तो फैजान अल्तमस व एक अन्य युवक ने रोक लिया और जानलेवा हमला किया। अल्तमस ने गाली देते हुए ललकारा कि जेल से अली भाई व असाद भाई ने सूचना भिजवाई है कि जमीन उन्हें दे दो जिस पर प्लॉटिंग करनी है। ऐसा नहीं किया गया तो 30 लाख रुपए उसके और फैजान के हाथ अली को भिजवा दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। असाद व अली कर रहे 10 लाख रुपए की मांग। अल्तमस ने जबरन सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिए। वहीं GTB नगर निवासी मोहम्मद वाशिक जाफरी ने भी अली अहमद, असाद, कालिया और इमरान के खिलाफ रंगदारी व धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। वाशिक का आरोप है कि 60 फीट रोड पर उसकी जमीन है जिस पर निर्माण कार्य कराने पर असाद व अली 10 लाख रुपए की मांग करता है। जेल से ही असाद अपने जीजा इमरान के जरिए रंगदारी मांगता है। इंस्पेक्टर करेली रामाश्रय यादव का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच की जा रही है। संवाददाता सचेंद्र नाथ गौतम की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RBS समाचार।